मिलके किचन में काम करना चाहिए अगर दोनों की छुट्टी है तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। आज है 30th of May एंड आज सुबह सुबह संडे का सुबह सुबह का टाइम है। मैं आज फिर से जल्दी उठ गई एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस बिकॉज कल मैं जल्दी सोई थी। सो अभी ऑलमोस्ट 9 बजने वाला है और वो घड़ी फास्ट है, मतलब अभी 7:45 ही बज रहा है। एनीवेज अभी हम निकलने वाले हैं बाहर थोड़ा मार्केटिंग के लिए। मैं बहुत 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 दिनों के बाद, लाइक बहुत 2-3 महीनों के बाद या 2 महीनों के बाद शायद मैं निकल रही हूँ, तो ये थोड़ा सा बाजार जाना है इसीलिए सुबह सुबह निकल रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ। और हम, मेरा और शीरो जैन तीनों का ब्रेकफास्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ ब्रेकफास्ट हो चुका है। आने के बाद थोड़ा और ब्रेकफास्ट करेंगे, लाइक हम तीनों ने खाया है अंडा। तो चलिए चलते हैं, मार्केट करके आती हूँ और बाहर कैसा है क्या है सब देख के आती हूँ। हेलो, बोल दो, बोलो हेलो, गुड मॉर्निंग। इतना गंदा हो गया है ना उसका मुंह। इतना ज्यादा भीड़ है तो इसीलिए हमने अभी तक कहीं पे भी स्टॉप करके मार्केट नहीं किया। अभी बस एक जगह पे रुके हुए जहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, तो ऐसी एक जगह पे रुके हुए हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हम मार्केट करेंगे या फिर घर पे ऑनलाइन डिलीवरी लेंगे। तो बहुत चीज़ ऐसी होती है ना जो घर पे डिलीवरी नहीं होती, इसीलिए हम बाहर निकले थे और शीरो का भी कुछ हमें लेना था। लेट्स सी क्या होता है, पर बहुत 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 भीड़ है। हम घर आ चुके हैं फिलहाल एंड इट्स एग्जैक्टली 9:38। बाहर इतना ज़्यादा भीड़ है, लाइक मैं फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड ऑफ कोलकाता मैं बाहर निकली हूँ। लाइक लास्ट मैं निकली थी बाहर लाइक एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद मैं शायद निकली थी, क्योंकि लास्ट में जब निकली थी वो था शीरो के बर्थडे के टाइम, वो भी हम गाड़ी में ही थे। लाइक एक बार बस या दो बार बस में उतरी थी जो सामान लेना था वो, बट उसके बाद आज मैं घर से, मतलब मेरी घर की मतलब बिल्डिंग की गेट से आज मैं पहली बार निकली हूँ एंड बाहर कितना ज़्यादा भीड़ है और पुलिस तो 2-3 लोगों को डंडा भी लगा रहा था। तो हाँ, हमने ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया क्योंकि बहुत 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 रश था। मैंने जय को बस बोला कि जहाँ पे रश नहीं है, सामान ठीक ना हो फिर भी वहीं से ले लो। तो बेसिक जो चीज़ें हुई हमने लिया। आज मैं बनाने वाली हूँ इडली। तो हम हमेशा आईडी वाला इडली यूज़ करते थे जब हम साउथ इंडिया में रहते थे, आज पहली बार घर पे आया ये वाला इडली। सो इडली स्टैंड मेरा रेडी है, वहाँ पे चॉप करके मैंने वेजिटेबल्स रखा हुआ है चटनी बनाने के लिए, बट करी पत्ता नहीं है, बट क्या करेंगे, स्टार्ट करते इडली बनाना। सब्जी और मैं बना रही हूँ इडली। सो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ ही आज बन रहा है ना, तो दोनों लोग मिलके किचन में काम करना चाहिए अगर दोनों की छुट्टी है तो। तो मेरा चटनी भी रेडी है, उसमें बस वो डालना है, छौंक डालना है। Thank you.
एक इडली ऑलरेडी जैन है खा ली, उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो जल्दी जल्दी चलते हैं एंड हम दोनों ने चटनी अलग अलग कर दी क्योंकि नहीं तो हो जाता है हंगामा। सो लेट्स गो। कैसा लगा इडली खा के आपको? अच्छा लगा। रेटिंग कौन देगा? जल्दी जल्दी रेटिंग। कैसा रेटिंग? कैसा रेटिंग मतलब? 10 out of 10। अच्छा, और वो रसगुल्ले का रेटिंग लेना मैं मिस आउट कर गई थी। 10 out of 10, सब कुछ 10 out of 10। जबरदस्ती थोड़ी, मेरे हाथ में डंडा नहीं है, अब बोल सकते हो। ठीक है, वही ठीक है। वही ठीक है। No changes in rating. No changes. No scope for improvement. No. No scope. All fine. Perfect. थोड़ा हंस के बोल दो। चलो, see you. पता है कल रात को ही मैंने जय को बोला था कि आज, मतलब आज का जो दिन है ना, वो मैं कुछ काम करने वाले नहीं हूँ, मतलब मैं खाना वाना कुछ नहीं पकाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी, just L2 is take rest और मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है तुम वैसे ही कर लेना। तो वैसा ही चल रहा था, तो सुबह मैं उठ के बस एक बार बाहर गई थी, थोड़ा मुझे बाहर जाना था मार्केटिंग के लिए, वो गई थी, कुछ काम तो हुआ नहीं, बेकार में हम घूम के आ गए, इतना ज़्यादा भीड़ है। आने के बाद लगा कि चलो इडली बना लेती, तो इडली बना के खाना वाना खा के, आपने देखा कि जय खाना पका रहा था लंच के लिए, तो जय ने कुछ प्रिपेयर किया लंच के लिए, कुछ हमारा लेफ्ट ओवर फूड भी था कल रात का, तो वो सारा मिला के हमारा लंच हो गया। उसके बाद जय अभी भी सो रहा है, मैं थोड़ा सा सो गई थी, थोड़ा सा मैंने एडिटिंग किया, लाइक वीडियो भी मुझसे एडिटिंग नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने एडिटिंग किया, वीडियो अपलोड किया, फिर मैं थोड़ा सा सोई। अभी उठ के मैं नहा धो के बस आई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो अभी क्या करना है, कपड़े कुछ है उसको फोल्ड करती हूँ। मुझे ना कपड़े धोना और फोल्ड करना दोनों ही बहुत ज़्यादा, मतलब तो धोना क्या, वॉशिंग मशीन में डालना उतना ही मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, फोल्ड करना तो बहुत 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 ज़्यादा आलस आता है, बट करना तो पड़ेगा, तो मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ। उसके बाद एक्साइटिंग जो है ना एक चीज़ होने वाली, वो है मैं अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ आज बात करने वाली हूँ। तो ये लास्ट 1 week से मैं प्लान कर रही थी कि लेट्स डू अ गूगल मीट काइंड ऑफ, तो येस आज हम लोग बात करेंगे। आई डोंट नो कितने लोग ज्वाइन करेंगे कि क्या है, तो आज रात को 8 बजे का प्लान है। आई एम सो सुपर एक्साइटेड क्योंकि मैं ना 12 साल से एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ, लाइक माई नर्सरी टू 10th, 12 साल मैंने एक ही स्कूल में बिताया, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं फटाफट अपना काम कर लेती, थोड़ा सा ही काम है, बैठ के काम करना है। तो अभी मैं और शीरो जा रहे हैं वर्क के लिए। शीरो से हाय। तो इतनी टाइम से मैं अपनी दोस्तों के साथ बात कर रही थी एंड फिर और जैसे सो रहा था, तो अभी सब हो गया एंड नाउ आई एम टेकिंग आउट हिम फॉर वर्क। लेट्स गो। मैं क्या करती हूँ ना, मैं हमेशा आफ्टर पोस्ट 9 ही शीरो को लेके निकलती हूँ। मैं निकलूँ या जय निकले, हम लोग पोस्ट 9 को ही निकलते, क्योंकि उसके बाद ना लोग ज़्यादा नहीं होते, नहीं तो सोसाइटी में जब भी शीरो निकलते हैं तो बच्चे हो या फिर कोई जो शीरो को पहचानता है तो उन लोग गोदी लेना चाहते, सो ट्राइंग टू अवॉइड दिस एंड इसीलिए हम लोग लेट से निकलते हैं। एंड शीरो को भी बहुत टाइम मिल जाता है खेलने के लिए, सुसु पॉटी सब करने के लिए। हाँ, आज लाइट बहुत अच्छा है, चलिए ऊपर जाके फिर मिलती हूँ मैं आपसे।